हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज अब मैं आप सबके साथ एक पार्टी गेस्ट मेकअप लुक शेयर करने वाली हूं, जो कि मैंने गोल्डन आउटफिट पे किया हुआ है विद ब्राउन स्मोकी आई और ब्लैक भी है, तो ब्लैक एंड ब्राउन दोनों मिक्स है। तो मैं सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ फेस वॉश की हेल्प से। फिर उसके बाद मैंने ये कमा आयुर्वेदा का प्योर रोज़ वाटर फेस मिस्ट यूज़ किया है, जो कि 100% प्योर रोज़ वाटर है और ये स्किन में ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे बेस्ट होता है। ये अच्छे से पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और ऑयल कंट्रोल में हेल्प करता है। लगाकर इसको 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा तब तक मेरी स्किन पर। फिर मैं ले रही हूँ 20% विटामिन सी फेस सीरम, जिसमें विटामिन सी है, फ्लोरिक एसिड है, हेलुरोनिक एसिड है और ये है ब्रांड द डर्माकोका। ये लगाने के बाद ना आपके मतलब डेली स्किन केयर में भी अपने इसको यूज़ करना ठीक रहता है, क्योंकि ये आपके फेस पे जो ब्लेमिशेस वगैरह होते हैं उनको फेड आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्किन को ग्लो भी करता है। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र में ममा अर्थ का विटामिन सी अल्ट्रा लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र विद विटामिन सी एंड एलोवेरा वाटर, और ये ग्लोइंग करता है स्किन में, एक ग्लो देता है और अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है। और ज़्यादातर ऑयली स्किन वालों को ना जेल बेस और ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करना चाहिए, जिससे स्किन थोड़ा सा लाइट फील करती है और चिपचिपी और ग्रीसी सी नहीं होती, क्योंकि वैसे भी ऑयल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। और ये आप देख सकते हो मैंने लगाने के बाद एक अलग ही चेहरे पे चमक आ जाती है। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, जो कि मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का रियल मेक बेस हाइलाइटिंग प्राइमर। ये स्किन को ब्राइटर करता है और पोर्स को जो है मिनिमाइज़ करता है, जिससे कि जो आप ऊपर आपका जो बेस है ना उसमें फिर ऑयल रिलीज़ नहीं होता है जब आपके स्किन से, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। प्राइमर ज़रूर लगाना चाहिए मेकअप के पहले, जिससे एक लेयर क्रिएट हो जाती है फेस पे आपके, तो जो भी आप मेकअप लगाते हो ना वो स्किन के अंदर आपके फिर नहीं जाता है, तो जिससे आपकी स्किन डैमेज होने से बची रहती है। और ये स्किन में ना बहुत ही अच्छा सा लगाने के बाद ना एक ग्लोई सा टेंट देता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। और कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो, ज़्यादातर मेरा टी जोन एरिया ना काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, इसलिए प्राइमर हमेशा सिलिकॉन बेस जो है वही लगाना चाहिए, पर अभी फ़िलहाल पर यही है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा क्रीमी सा हो जाता है। फिर मैं जो मेरे डार्क सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स ब्लेमिशेस और माउथ के अराउंड पे एरिया ज़्यादातर जो है ना डार्क ही हो जाता है, नोज़ के अगल बगल और आपके माउथ के अराउंड पे, और मुझे ब्लेमिशेस की भी प्रॉब्लम है मेरे नोज़ के ऊपर थोड़ी सी और मेरे चीक्स पे भी, तो मैं इसे जो करेक्टर है एलेगन का प्रो कंसील HD हाई डिफिनेशन कंसीलर है, इससे मैं अपने जितने भी ये डार्क सर्कल्स और ब्लेमिशेस हैं इन सब को मैं हाइड कर दूंगी, जिससे कि जो मेरा बेस है ना वो एकदम से फ्लॉलेस और क्लीन दिखेगा, क्योंकि अगर नीचे से दाग धब्बे दिखते रहते हैं ना तो फिर फाउंडेशन लगाओ उसके बाद फिर वो दिखते रहते, कवर नहीं हो पाते उतने अच्छे से, इसलिए मैं ऑरेंज करेक्टर का यूज़ कर रही हूँ। और मैं ज़्यादा अमाउंट पे नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑरेंज है, उतना ज़्यादा डार्क मुझे चाहिए नहीं, तो मैं हल्का हल्का से यूज़ कर रही हूँ। ये देख सकते हैं मेरा फेस कैसे लाल हो गया है। अब मैं इसके ऊपर जो कंसीलर मैं यूज़ करती हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का, जिसमें मेरा शेड है 20 सैंड, इससे मैं जहाँ जहाँ पर मैंने ऑरेंज कंसीलर यूज़ किया हुआ है करेक्टर उससे मैं ये कंसीलर लगाकर उसको पूरा कवर कर दूंगी, जिससे कि जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी तो ये जो ऑरेंज करेक्टर है ना ये फिर पूरे उसमें फैलेगा नहीं, नहीं तो फिर ये जब मैं फाउंडेशन यूज़ करूंगी ना तो फिर अगर इसको कंसील नहीं करूंगी तो फिर ये
पूरे फेस पे वैसे फाउंडेशन के साथ मिल जाएगा, फिर वो बहुत ही भद्दा लगेगा देखने में। इसलिए जब भी करेक्टर का यूज़ करें उसके ऊपर आप कंसीलर लगाकर उसे कवर जरूर कर दें, जिससे कि जो फाउंडेशन है ना उसका जो लेयर है वो एकदम सेपरेट रहेगी और बिल्कुल भी इसके साथ मिक्स नहीं होगा, नहीं तो फिर वो अलग ही शेड निकल के आ जाएगा फाउंडेशन का। तो ये मैंने जहाँ जहाँ पर ऑरेंज करेक्टर लगाया था वहाँ वहाँ पर मैंने सब जगह कंसीलर लगा लिया। मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैब डैब करके, मतलब रगड़ना नहीं होता है कि ऐसे रगड़ रगड़ कर लगाओगे तो फिर उससे उस तरह करोगे करने से ना फिर वो ठीक नहीं रहता है, तो डैब डैब करके हमेशा यूज़ किया जाता है ब्यूटी ब्लेंडर। अब आप देख सकते हो कहीं पे भी ऑरेंज नहीं दिख रहा है, बिल्कुल एकदम क्लीन सरफेस लग रहा है मेरा फेस। फिर मैं लगा रही हूँ लिप मॉइस्चराइज़र लिप बाम, यानी कि जो है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदिक बायो फ्रूट वाइटनिंग लिप बाम है। ये बहुत ही अच्छा लिप बाम मुझे लगता है, ये लिप को ना जो डार्क लिप्स होते हैं ना उनको लाइट करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, तो ये मैं बायोटिक का मैंने यूज़ किया है। फिर मैं ले रही हूँ फाउंडेशन, क्योंकि अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन में मैंने मेबलिन न्यूयॉर्क का लिया है, मेरा शेड है इसमें 28 वॉर्म न्यूड सुपर स्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन। ये फेस को फुल कवरेज देता है, लेकिन नीचे जो आपके फेस में डार्क सर्कल्स थे इनको पहले अगर आप थोड़ा सा कवर कर लेते हो ना, तब तो फिर अगर इसके बाद आप फाउंडेशन यूज़ करते हो फेस पे तो वो एक अलग ही ग्लो आता है, मतलब ग्लो भी आता है और फेस का जो आपका बेस है ना वो बहुत ही अच्छे से फ्लॉलेस रेडी हो जाता है। तो ये मैंने ड्रॉप ड्रॉप करके ये डॉट डॉट करके मैंने पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। और ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने से पहले ज़्यादातर जानते ही होंगे लोग, अच्छे से पहले इसको पानी में डालकर स्क्वीज़ कर लिया जाता है ताकि जो आपका प्रोडक्ट है ना वो सोख ना हो इसमें। इसलिए ये मेरा अच्छे से मैंने फाउंडेशन को अपने ब्लेंड कर लिया है। अब मैं लगा रही हूँ कंसीलर, जो जो एरिया मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पर मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर मैं वही यूज़ कर रही हूँ, फिट मी का 20 सैंड शेड है। इसको मैं अपने टेम्पल ऑफ हेड में और ये अंडर आईज़ पे, आईलिड पे और माउथ के अराउंड और ब्रिज ऑफ द नोज़ में और ये अपने चिन के ये एरिया में, चीक बोन के नीचे वाले एरिया को हाईलाइट करने के लिए मैं कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ, और जिससे कि ये सारे जो है एरिया है ना मेरे ये हाईलाइट हो जाएंगे। तो फिर वही ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इनको डैब डैब करके मैं पूरा मैं वो कर लेती हूँ, ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैंने लैक्मे रोज़ पाउडर विद सनस्क्रीन लिया हुआ है, ये है 01 सॉफ्ट पिंक शेड है इसका, और ये बहुत ही अच्छा मुझे लूज़ पाउडर लगा, बहुत ही अच्छे से कंसील कर देता है। तो जो जो मैंने फाउंडेशन है कंसीलर जो भी लगाया है इन सबको मैं इसकी हेल्प से, एक पाउडर ब्रश की हेल्प से कंसील कर दूंगी ताकि उनमें क्रीज़ लाइन मेरे ना दिखे, क्योंकि मेरी आँखों के नीचे और आईलिड पे क्रीज़ लाइन बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसलिए मैं अच्छे से ये रोज़ पाउडर लगाकर इसको कवर कर दूंगी। फिर मैंने लिया है, क्योंकि मैं स्मोकी आई कर रही हूँ जिसमें मैं ब्लैक और ब्राउन दोनों शेड ले रही हूँ, तो मैंने इसमें मेबलिन का ही द कलोसल काजल लिया है, सुपर ब्लैक है और ये पहला काजल मुझे ऐसा मिला है जो मेरी आँखों में फैलता नहीं है। नहीं, मेरे आँखों में कभी काजल नहीं रुकता, जब भी मैं लगाती हूँ ना तो वो फैल जाता है और ये लगाने के बाद ना तुरंत ड्राई हो जाता है। तो ये मैंने आँखों के आईलिड पे अपने लगा लिया है, कोई मतलब वैसी लाइन नहीं ड्रॉ करनी है कि स्मूथ लाइन ही करनी है, वैसे ही ऐसे लगा लेना है। फिर उसके बाद जो छोटा वाला स्मजिंग ब्रश होता है ना उसकी हेल्प से मैं इसको स्मज करके अपनी आईलिड में स्प्रेड कर लूँगी, अच्छे से स्मज कर लूँगी ताकि कहीं पूरा इवन हो जाए, कहीं पर डार्क कहीं पर लाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो देखने में भद्दा लगता है। तो इस तरह मैं अपनी दोनों आँखों को अच्छे से स्मज कर लूँगी ऐसे ही लगा कर, ये देख सकते हो आप।
मेरी दोनों आंखें हो गई हैं डन। अब मैं मेकअप रिवोल्यूशन का जो हिप्नोटिक पैलेट है उससे मैं डार्क शेड ले रही हूँ, ब्लैक का, ब्लैक वाला शेड ले रही हूँ, और इसको फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं ऐसे लगाऊंगी डैब डैब करके, और इसी तरह ही मैं इसको थोड़ा सा इसमें मिक्स करके स्प्रेड करूंगी, ब्लेंड करूंगी, ताकि वो अच्छे से जो मैंने काजल लगाया है ना उसमें मिक्स हो जाए और ब्लेंड हो जाए, ताकि ऊपर की तरफ ये फैले ना। तो ऐसे ही मैंने दोनों आँखों में अपने आईलिड पे कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ इसमें दूसरा जो शेड मैं ले रही हूँ, ये डार्क ब्राउन शेड है, इसको भी मैं छोटे वाले स्मजिंग ब्रश से, जो हल्का सा फ्लैट फ्लफी ब्रश होता है छोटा वाला, उसकी हेल्प से मैं ये ब्राउन शेड जो है अपनी क्रीज लाइन पे बिल्ड करूँगी, हल्का हल्का लेकर बिल्ड करेंगी, एक साथ लेकर नहीं लगाऊंगी, नहीं तो फिर वो अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होता और वो एक जगह लग जाता है ना, फिर उसको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं हल्का सा जो है ना ये विंग निकालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी आई लाइनर वगैरह नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो गया है। तो फिर मैंने जब ये डार्क ब्राउन शेड मैंने अच्छे से लगा कर बिल्डअप कर लिया था, फिर मैंने फ्लफी ब्रश लिया है बड़ा वाला, उससे मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई भी हार्श लाइन इसमें ना दिखे, क्योंकि वो अलग फिर अलग अलग लाइन दिखती है ना, तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड करके मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हो एकदम क्लीन मेरी जो मैंने आईज़ बनाई है वो आई शेडो लगाया है, बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, कहीं भी हार्श लाइन नहीं दिख रही है। फिर मैं वही छोटे वाले ब्लेंडिंग ब्रश से, स्मॉल वाले ब्लेंडिंग ब्रश मेरे, वही पहले मैं ब्लैक शेड लूँगी, उसके बाद मैं डार्क ब्राउन शेड लेके दोनों को लेके अपने नीचे वाटर लाइन के नीचे जो है मैं इनको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, क्योंकि मैं काजल नहीं लगाऊंगी इसलिए, और वो अच्छा भी थोड़ा दिखता है। तो ये मैंने मेरी आँखें हो चुकी हैं, दोनों आँखें हो चुकी हैं डन। अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ लगाना, कभी कभी होता है मैं भूल जाती हूँ। तो ये मैंने अपने दोनों ब्राउ बोन्स में हाइलाइटर लगा लिया है। अब मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर करने के लिए मैंने यूज़ किया है शुगर का कॉन्टोर द फोर्स पैलेट 01 सबटल समिट। तो ये मैं अपने चीक बोन्स के नीचे वाले एरिया पे हाईलाइट कर रही हूँ, क्रीज एक बना रही हूँ, जिससे मेरा फेस थोड़ा सा स्लिम दिखे। कॉन्टोर हम इसीलिए ही करते हैं ताकि हमारा फेस थोड़ा सा स्लिम दिखने लगे। तो वैसे भी आप देखोगे तो एक शेडो जैसी ना चीक बोन्स के नीचे दिखती ही है, और उसी में हम कॉन्टोर कर लेते हैं ना, तो फिर फेस और ज़्यादा स्लिम लगने लगता है। ये मैंने अपने चिन के नीचे एरिया पे, क्योंकि मेरा फेस ना थोड़ा सा चिन के जो ये होती है ना चीक बोन्स, अरे क्या बोलते हैं इनको, नीचे के चिन के एरिया पे ना ये मेरा थोड़ा सा वाइड लगता है, तो इसको मैं अच्छे से कॉन्टोर करूँगी ताकि थोड़ा सा स्लिम दिखे। ये मैंने लगा लिया, कॉन्टोर कर लिया है, और मैं अपने फॉरहेड को भी अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी, कि मेरे फॉरहेड जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। अब मैं इसी में से ही इसी पैलेट से ना ब्लश ले रही हूँ, ये बिल्कुल लाइट सा सॉफ्ट कोरल पिंक है। तो इसमें मैंने पता है क्या किया है, बाद में मैंने आई शेडो, उतना ज़्यादा मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने आई शेडो से ना एक हल्का सा पीची सा शेड था ना उसको मैंने थोड़ा सा लेके फिर चीक बोन्स में लगाया, तब वो थोड़ा मेरे गालों पे दिख रहा था। फिर मैं नोज़ कॉन्टोर करना भूल गई थी, तो फिर मैंने नोज़ को अपने कॉन्टोर कर दिया है अच्छे से, और मैं अपने लिप्स के नीचे भी यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्टोर करती हूँ, जिससे ना लिप्स जो है शेप जो है उनका अच्छे से दिखता है, इसलिए मैंने
लिप्स के नीचे भी कॉन्टोर कर लिया है और ऊपर भी, जब लिपस्टिक लगाते हैं ना तो वो अच्छा से दिखता है। और अब मैं लगाने वाली हूँ हाइलाइटर, जो कि इसी पैलेट की है और ये थोड़ा सा ना शैम्पेन शेड है। पहले मैंने सोचा था ना कि वो जो गोल्डन वाला हाइलाइटर लगाऊं मैं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, वो बहुत ज़्यादा गोल्डन गोल्डन हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो आउटफिट है वो भी गोल्डन ही है। तो फिर मैंने शैम्पेन शेड लिया है और ये मैं अपनी मैं आईब्रोज़ के ऊपर और चीक बोन्स में और नोज़ में हर जगह लगा कर हाईलाइट कर लूँगी, जहाँ जहाँ लगाया जाता है वो तो नॉर्मली सभी लोग अब जानते हैं। फिर मैं अपनी आईब्रोज़ को क्लीन कर लूँगी, एक ब्रश है जो कि मस्कारा का ब्रश है। अगर आपके पास स्पूली नहीं है ना तो आप मस्कारा जो भी यूज़ करते हो उससे नॉर्मली जब वो सूख जाता है या ख़त्म हो जाता है उसको अच्छे से आप साफ़ कर लो। साफ़ करने के बाद बहुत ही अच्छे से वो स्पूली का काम करता है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। फिर मैंने ये वेट एंड वाइल्ड की अल्टीमेट ब्रो किट ली हुई थी, इससे मैं डार्क शेड मैंने लिया है। इसमें एक लाइट ब्राउन शेड मिलता है और एक डार्क ब्लैक शेड मिलता है, तो मैंने ब्लैक वाला लिया हुआ है। और उससे मैं, क्योंकि जैसे आपके बाल होते हैं उसी से मैच करना होता है आपको, तो ये मैंने आईब्रोज़ अपनी डन कर ली हैं। और आईब्रोज़ आगे से ना हमेशा लाइट रखनी चाहिए, फिर मिडल से थोड़ा डार्क करनी चाहिए, तभी वो अच्छी दिखती हैं। और आगे से ही बहुत डार्क कर लो ना उनको तो वो फिर अच्छी नहीं दिखती हैं। फिर मैंने मेकअप फिक्सर लगा लिया है जो कि है स्विस ब्यूटी का, और ये बहुत ही अच्छा सा मेकअप फिक्सर है, बिल्कुल नेचुरल एलोवेरा और विद विटामिन ई है। तो मेकअप फिक्सर हो गया, उसके बाद अब मैंने वो लगा लिया है, क्या बोलते हैं, काजल, जो कि कोरल शेड है, वेट एंड वाइल्ड का है ये भी। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। मस्कारा मैंने मेबलिन का लिया हुआ, ज़्यादातर प्रोडक्ट मेरे मेबलिन के ही है क्योंकि मेबलिन मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मेबलिन का द हाइपर कर्ल ईजी वॉश मस्कारा है ये, मतलब बहुत ही अच्छा मस्कारा है, मुझे अच्छा लगता है ये। अच्छे से ना फैलता भी नहीं है और ईजिली रिमूव भी हो जाता है। मेरी आँखें हो गई हैं डन। अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक मैंने मेबलिन की ही ली थी, सुपर स्टे मैट इंक, और इसमें शेड है इसका 225 डेलिकेट। ये मैंने लगाया है, लेकिन लगाने के बाद ना ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने थोड़े एक्सपेरिमेंट किए, फिर मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने उनको फिर रिमूव किया पूरी लिपस्टिक को अपने। फिर मैंने एक लोकल ब्रांड की, मतलब जो लोकल मार्केट से ली थी, आई थिंक 30 या 40 रुपए की थी, वो मैंने लगाई और उसका शेड आप ये देख सकते हो, मुझे बहुत ही पसंद है ये, पता है मैट भी है और इसका कलर इतना अच्छा ना, जब कुछ नहीं समझ में आता ना कौन से लगाएं कौन से नहीं, तो मैं यही लगा लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है इसका शेड जो है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब बात ये आती है हमारे बालों की, बालों में करना मैं कुछ चाह रही थी, हो कुछ और गया, तो जो बन गया वही बना लिया। फिर मैंने बालों को ना अच्छे से एक पार्ट, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट मैंने लिया बालों का और उसको ट्विस्ट करके मैं पीछे पिन करती जा रही थी, पिन करके ये देखिए मैंने ले लिए हैं और इनको मैं ट्विस्ट करूँगी, करके पीछे पिन करती जाऊँगी। इसी तरह करके ना मैं अपने सारे जो हैं बालों को पीछे पिन कर लूँगी ट्विस्ट करके, फिर इनको हल्का हल्का सा ना मैं लूज़ करूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा उस तरह का लग चाहिए था, क्या बोलते हैं इसको, फूला फूला सा चाहिए था मुझे। और फिर मैंने पीछे मैं बना लूँगी जूड़ा, जूड़ा मेरा ये बन गया है। मैंने जूड़े के ऊपर ना मैंने सोचा था वो जो आर्टिफिशियल बन वाले नहीं आते हैं, हाँ ये इसी को मैं लगा रही थी, लेकिन मेरा जूड़ा बड़ा था ये छोटे था तो ये लगा नहीं, फिर मैंने दूसरा लगाया और वो किसी तरह लग गया बस पिन इन लगा करके। फिर ये इयररिंग्स मैं पहन लूँगी, और ये इयररिंग्स मैंने मीशो से लिए हुए हैं, गोल्डन अच्छे लग रहे थे मुझे, इसके साथ मांग टीका भी है लेकिन मांग टीका नहीं लगा दूँ। फिर ये हो गई हूँ मैं
रेडी और पहन लेती हूँ अब मैं चूड़ियाँ। चूड़ियाँ मैंने रेड और गोल्डन मिक्स करके पहनी हुई हैं, क्योंकि चूड़ियाँ फिर बहुत गोल्डन चूड़ी भी होती तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो ये था मेरा फाइनल मेकअप लुक, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।